मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गोरास जिला श्योपुर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माँ की आमदनी 30 से 35,000 होने लगी। इसको भी मैंने सर समूह में वापसी कर दिया। इसके अलावा सर मैंने अपनी बचत से और समूह से 50,000 का ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल खुदवाया, जिससे मेरी माँ की सालीना की फसल 3 से 4 लाख हो रही है। इसके अलावा सर जी मैंने 2.5 बीघे का अमरूद का बगीचा भी लगाया है और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है। 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25,000 हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35 रुपए दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपए हाथ में रख रही है और माह की आमदनी 80 से 85,000 हो रही है। सालीना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। इस ये मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 7 जिलों में पोषण आहार संयंत्र की आचार फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी मामा जी द्वारा हम बहनों को दी गई, जिससे हमें पोषण आहार सप्लाई करने का मौका मिला और मामा जी ने द्वारा इससे लाखों बहनों को रोजगार मिला। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि श्योपुर में पधारे और मेरी स्वयं सहायता समूह की 43 लाख बहनों का भाग खोल दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये मेरी स्वयं सहायता समूह की और आजीविका की बहनों का साथ है कि आज मैं इस मंच पर माननीय जिनसे मिलने के लिए VIP लोग त्रस्त, आज मुझ शहरीय महिला को यहाँ मौका मिला और मेरा जीवन सफल हो गया। जय हिंद। मुझे बताया गया है कि यहाँ श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बैठिए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जन प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है, बड़े परिवर्तन का आह्वान है। साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सबने देखा है कैसे
जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को, मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। और इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोकाम शुरू करती हैं, जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की यही ताकत आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। साथियों, मेरा यह अनुभव रहा है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व दिया है। आज गांव में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में बहनों बेटियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। मुझे संतोष है कि इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी आज जो बहनें हैं उसके भी काम देखिए, कैसे कैसे विविध मोर्चों को संभालती है। कुछ महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में, ऐसी अनेक सेवाओं की
ट्रेनिंग लेकर वे शानदार काम कर रही है। आपके सफल नेतृत्व, सफल भागीदारी का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। अभी मुझे एक बहन से कुछ बातचीत करने का उसे मौका भी मिला। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है वहां माताएं बहनें डबल इंजन की सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है। मैं इस सफल अभियान का सबसे अधिक श्रेय मेरे देश की माताओं बहनों को, आपको देता हूं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन आज स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। वे राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं। पानी समितियों में बहनों की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी से जुड़ी टेस्टिंग हो, बहनें बेटियां बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। ये जो किट्स आज यहां दी गई है ये पानी के प्रबंधन में बहनों बेटियों की भूमिका को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हमने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें, 8 करोड़ से भी अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी है। मतलब एक प्रकार से 8 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, माँ हो, इस अभियान से जुड़े। यहां मध्य प्रदेश की भी 40 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई है।